अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अगेन, यू नो मी ऑब्वियसली। और आज है संडे 21st, आई गेस, यस 21st अगस्त संडे। और मैं अभी अभी उठा हूँ, चेहरे से लग रहा होगा कि मैं अभी अभी उठा हूँ। और आज हमने कुछ काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमने अपनी दाढ़ी और मूछें वगैरह सेट करानी है, मतलब खत वगैरह कराना है। और उसके बाद वी आर प्लानिंग कि हम AIMC जाएंगे आज। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम जाते हैं बारबर शॉप पे, वहाँ से हम खत वगैरह करा लें एंड उसके बाद चलते हैं AIMC इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमने खत वगैरह तो करा ही लिया एंड नाउ वी नीड टू डू वन मोर थिंग। हमें जाना है अब ATM, बिकॉज कैश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरे पास। तो मैंने कहा आज फ्री ही है, संडे है, तो ATM से भी हो आते हैं। वो सामने बैंक है। शुक्र है कि हमारी जो है ना हॉस्टल के करीब बैंक्स हैं, तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे बंदा जो है जब चाहे आराम से ATM यूज़ कर सकता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग। और बस यही है कि पैसे निकलवाने हैं एंड देन हमने वापस जाना है तैयार वगैरह होके। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि AIMC जाने का प्लान है अपने फ्रेंड के पास, तो फिर वहीं पर जाना है अब हमने। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ AIMC जाने के लिए। असर की नमाज का टाइम हो गया है, मैंने असर पढ़नी है और उसके बाद हम निकलते हैं AIMC के लिए। AIMC का मतलब है अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेरा एक फ्रेंड होता है, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ आज। और रात तक इंशाल्लाह हमारी वापसी हो जाएगी होपफुली। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद AIMC जाते हुए। सो आवर बाइक इज हेयर, बाइक ही आ गया और चलते हैं अब हम। यार गेट खोल दिया इन्होंने, अब पहले तो इन्होंने बंद किया हुआ था, बस चले फिर यहाँ। हम पहुंच चुके हैं यहाँ हॉस्टल और अब हम चलते हैं। आ रहा हूँ और अब हम चलते हैं ऊपर। तो वी आर हेयर उसामा जमील के रूम में और इट्स अ नाइस रूम यार। इसने ना रूम चेंज किया और मैं इस रूम में पहली दफ़ा आया हूँ। क्यूब है एंड इट्स रियली नाइस। और ये देखो, ये दो इंसान सुकून से लेटे हुए हैं। कैसे हो ब्रोज? मुझसे मिल के अच्छा तो लगा ही होगा तुम्हें, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। This is AIMC and हम यहाँ पर आए हुए हैं and look at their hostel, it's good, I would say। अरे यार आसमान कितना क्यूट सा लग रहा है। एंड दिस इज़ उसामा जमील, ये जो जा रहा है पानी भरने के लिए, मैं भी इसके साथ ही जा रहा हूँ। ये हमें क्यूटी यहाँ नज़र आई है। एंड दूसरी कहाँ गई? दूसरी ना गुम हो गई है। मुझे लगता है हर हॉस्टल में ना ये क्यूटीज होती हैं। क्या शाहीन मॉल दा, मतलब हम यह क्या कह सकते हैं कि द सिंबॉलिक प्लेस ऑफ AIMC, जिसकी वजह से AIMC मशहूर है। और ना हमें तकरीबन ट्विटर पे हर
फोटो में ये वाली जो टैंकी होती है ना, ये नजर आ रही होती है। सनसेट का टाइम है बट हमें कहीं सूरज नजर ही नहीं आ रहा। ये दरख्त ही शायद इतने बड़े बड़े हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा। एंड लुक एट दिस, यहाँ इन कबों की पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। और हम यहाँ से देखते हैं नीचे कि हम कितना ऊपर हैं। 1, 2, 1 नीचे वाला फ्लोर, फिर ये दूसरा, ये मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और अब हम यहाँ पर ऊपर हैं, चिलिंग्स कर रहे हैं। एंड हेयर वी आर। हम अपना, जब भी मैं AIMC आता हूँ ना, मैं हमेशा बीफ पुलाव ही खाता हूँ, मतलब हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो हम ये कह सकते हैं इट्स आवर यूजुअल डिश जो कि हम खाने वाले हैं। और माज तो हमेशा चिकन बिरयानी खाता है बिकॉज आई गेस ही इज़ नॉट अ बीफ पर्सन। उसामा जमील के रूम से हमें मिला ये, आई डोंट नो हम इसे क्या कहते हैं, लेकिन मतलब मसाजर कह सकते हैं, आई डोंट नो। इसे आप सर में ऐसे करो ना, सर में डालो, ओए ओए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो हेयर इट इज़। और अब हम इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने फ्रेंड माज पे। नहीं माज, आर यू रेडी? नो, तेरे ऊपर करें, मैं तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा तेरे को। अच्छा रुक जाएगी, बहुत अच्छा फील होता है। कैसा फील हो रहा है? अभी सो ना, उठे तो। अब हम चल रहे हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ बिकॉज मुझे जाना है सुबह यूनिवर्सिटी, और रात के 12:30 हो चुके हैं। अब जाके मैं हॉस्टल भी मैंने जाना है, और उसके बाद सोना भी है, सुबह उठना भी है। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम से ही निकल जाता हूँ ताकि बाद में मसले ना हो। और लुक एट उसामा जमील जो कि कुछ ना कुछ खा ही जा रहा है। यार क्या इंसान है। अभी ये मुझे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं ना थोड़ा सा खाता हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। ओके उसामा, अल्लाह हाफिज, मिल लेते हैं, उठो। सो हेयर वी आर बैक टू आवर हॉस्टल, वापस उसी रूटीन में जो चल रही है। और यहीं ख़त्म करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को। दैट्स इट, सी यू अगेन।